हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विवेक महाजन है। मैं नी सर्जन हूँ इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली में। तो क्योंकि इंसान ने डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा है, तो उस भगवान के रूप को खराब ना करो कोई भी। जब मैंने ये वीडियो बनाई, उस दिन बनाई थी जिस दिन मैं इंजेक्शन लगवा कर आई थी, यानी कि 5 दिसंबर को मैंने इंजेक्शन लगवाया था और आज है 22 जनवरी। तो 22 जनवरी को ये शेयर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सारे रिजल्ट के बाद मैं आपको ये वीडियो शेयर करना चाहती थी कि सही है या गलत है। तो इसी वजह से आज शेयर किया है। डॉक्टर की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी और उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब आप सुनिए कि डॉक्टर विवेक महाजन क्या बोलते हैं। तो आज मैं आई हूँ यहाँ डॉक्टर विवेक महाजन के यहाँ और बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि क्या ट्रीटमेंट मुझे देंगे, कैसे मेरे घुटनों की सिचुएशन है, जो थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, मुझे चलने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो डॉक्टर विवेक महाजन जी बताएंगे मुझे। और आपको भी बता रही हूँ इसी के जरिए ताकि आप जागरूक हो सको। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सर्जरी की और वो मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं थी उस चीज के लिए। तो चलिए आज विवेक डॉक्टर विवेक महाजन जी से ही बात कर लेते हैं, आइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विवेक महाजन है। मैं नी सर्जन हूँ इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली में। तो मेरे पास बबीता जी आई थी और इनकी जो मेन प्रॉब्लम थी, ये कह रही थी कि चलने फिरने में कभी कभी थोड़ा बहुत दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में हल्का फुल्का दर्द होता है। बट जब मैंने इनसे विस्तार में बात करी तो मुझे लगा कि एक इनका दर्द कोई असहनीय दर्द नहीं है, उस दर्द की वजह से लाचार नहीं है ये, और कभी भी रात को इनकी नींद नहीं टूटती दर्द की वजह से, पेन किलर बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं खाती हैं, बहुत कम कभी कभी लेती हैं, और दर्द एक घुटने में शुरू हुआ था और दूसरे घुटने पे, क्योंकि जब आपको एक घुटने में दर्द होता है तो आप सारा वजन दूसरे पे डालते हो तो उस पे भी थोड़ा बहुत दर्द शुरू हो जाता है। तो एक घुटने में तकलीफ थी राइट साइड में, लेफ्ट में जस्ट शुरू हुई थी। तो और ये काफ़ी डरी हुई थी बिकॉज इनको बार बार नी रिप्लेसमेंट के बारे में बोला गया था, बट शी इज़ क्वाइट यंग, अराउंड 45 ईयर्स ऑफ एज। तो मुझे लगा कि शी इज़ टू यंग फॉर नी रिप्लेसमेंट और तकलीफ भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर उसके बाद जब हमने एक्सरे देखे तो आप इनके एक्सरे यहाँ देख सकते हैं कि राइट साइड का घुटना में थोड़ा गैप कम हो गया है, घिसा हुआ है। लेफ्ट वाले में अभी है गैप, बहुत खराब नहीं था। तो फिर मैंने इनको बोला कि हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए इस घुटने को बचाने के लिए। तो उसके लिए मैं आई एडवाइज्ड हर कि आप कुछ दवाइयां लो, एक्सरसाइजेस करो जिससे आपके घुटने के मसल्स स्ट्रांग हो जाए, उससे भी दर्द कम हो जाता है, और पेन किलर तो ये वैसे भी ज्यादा नहीं खा रही थी। सो बेसिकली ट्रीटमेंट जो था, दवाइयां, एक्सरसाइज और परहेज। परहेज में इनको बोला कि आप सीढ़ियां उतरना चढ़ना कम कर दो, जहां तक हो सके अपना लिफ्ट का प्रयोग करो जहां पर भी संभव हो, और जमीन पे मत बैठो, आलती पालती मत मारो, और एक्सरसाइजेस कुछ समझाई इनको जो घुटने के लिए ज़रूरी हैं। और फिर बोला स्पोर्ट शूज पहनो, हील्स मत पहनो, और बर्फ से सिकाई करो घुटने की जब भी घुटने में दर्द या सूजन हो। इसके अलावा मैंने इनको बताया कि आप इसमें हायलुरोनिक इंजेक्शन, जिसको हम सरल भाषा में ग्रीस वाला टीका या मेडिकल भाषा में विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। उस टीके को लगाने का फायदा ये होता है, एक तो वो टीका बार बार नहीं लगाना पड़ता, वो साल में एक ही बार लगाना पड़ता है, और जरूरी नहीं कि हर साल लगाना पड़े। जब तक आपको उस टीके की वजह से आराम है, लेट से 2 साल 3 साल 5 साल, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। और उस टीके को लगाने से जो चीज घिस रही है उसको एक तो हम और घिसने से रोक सकते हैं, और उसके घिसने की वजह से जो आपको कठिनाई, परेशानी, डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। तो आज हमने इनको एक्सरसाइज, दवाइयां, परहेज जो इनका ऑलरेडी चल रहा है, उसके अलावा घुटने में इंजेक्शन लगाया है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी इनको इंजेक्शन लगे लगभग 15 मिनट आधा घंटा ही हुआ है, एंड शी इज क्वाइट कंफर्टेबल। बहुत सारे मरीज सोचते हैं कि इंजेक्शन लगेगा तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, बहुत दर्द होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है।
इंजेक्शन लगाना बहुत ही आसान और सरल तरीका है और उसके बाद किसी तरह का कोई रेस्ट नहीं होता है। एंड आई प्रे टू गॉड कि हमने जो भी इनका इलाज शुरू किया है उसमें हम सक्सेसफुल रहें और हम इनका जहां तक हो सके घुटने के ऑपरेशन को टाल सकें। थैंक यू सो मच। मुझे अभी फिलहाल कोई भी दर्द या कुछ नहीं महसूस हो रहा है कि इंजेक्शन लगा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है बल्कि। और देखते हैं अब इसका रिजल्ट क्या होता है वो मैं आपको बताती रहूंगी, और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग्स में, इसी तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी आपको। और लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि 12-13 साल से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही थी, और जो कि 3-4 हॉस्पिटलों में मैंने दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, तो उन्होंने सबने जिसने भी देखा, एक तो श्री संत परमानंद हॉस्पिटल था और दूसरा था मैक्स हॉस्पिटल, तीसरा था सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद, इन सब में मैंने तीनों चारों जगह दिखाया, लेकिन सबने देखते ही कहा कि ऑपरेशन करा लो। मैं अपसेट हो जाती थी ऑपरेशन के नाम से, क्योंकि मुझे तो एक इंजेक्शन से भी डर लगता है, ऑपरेशन तो बहुत बड़ी चीज है। फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था, और जिसने भी ट्रीटमेंट दिया ना उनका ट्रीटमेंट बहुत ही बुरा था। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि उन दवाइयों को दोबारा लूं, स्टेरॉइड्स पकड़ा दिए और उनसे मेरी हालत एकदम खराब हो गई थी, बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगी उनको, और आप भी मत लेना। इसीलिए ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 12-13 साल पहले जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तब भी ऑपरेशन था और आज भी ऑपरेशन है, ये बात सुनकर बहुत गलत लगता है। तो ये जो सारी वीडियो है ये इसी के ऊपर बन रही है। चंडीगढ़ में कोई हॉस्पिटल है जो केवल नी रिप्लेसमेंट के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। तो चंडीगढ़ में एक डॉक्टर से बात की हमने, और उस हॉस्पिटल का नाम था हीलिंग हॉस्पिटल। वहां फोन पे बात हुई, उन्होंने एक्सरे मंगवाया, एक्सरे देखते ही उन्होंने कहा कि नी सरफेसिंग होगी इनकी और हम कर देंगे। तो नी सरफेसिंग मींस हमें समझ में नहीं आया क्या होता है, तो जब समझा नी सरफेसिंग क्या है तो उन्होंने कहा कि नी सरफेसिंग एक छोटा ऑपरेशन होता है जो कि नी रिप्लेसमेंट से अलग होता है। नी रिप्लेसमेंट पूरा घुटना चेंज करता है, नी सरफेसिंग मींस छोटा सा ऑपरेशन होगा जो कि 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक नई मार्केटिंग थी उनकी कि नी सरफेसिंग क्या होता है। तो हमने जब पूछा तो पता चला कि नी सरफेसिंग एक सिर्फ एक अलग नाम दे दिया गया है नी रिप्लेसमेंट को। तो यहाँ तो और ज़्यादा एक बोलते हैं कि धोखा देने वाली जो चीज़ होती है वो मिली थी। नी रिप्लेसमेंट को नॉर्मली हम लोग जानते हैं, पब्लिक में फैला हुआ है, नी रिप्लेसमेंट मीन्स घुटना चेंज करना है, लेकिन नी सरफेसिंग को मैंने पहली बार सुना था और उसी की वजह से मुझे लग रहा था कि वो छोटा ऑपरेशन करके ठीक कर देंगे। तो यहाँ भी एक धोखा मिला था, तो बिना जाने पहचाने ऑपरेशन करवाना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सारी बातें डॉक्टर ने मुझसे कही कि कौन सी स्टेज पर हमें ऑपरेशन करने की जरूरत होती है और कौन सी स्टेज पर नहीं होती है। तो हर बार जरूरी नहीं होता, उन्होंने कहा आप चल कर आइयो, मेरे पास तो ऑपरेशन की जरूरत है ही नहीं, जब तक टाइम निकलेगा आप निकालिए। और सबसे मेन चीज उन्होंने बताई कि अपना वेट कम कीजिए, मतलब मेरा वजन जो बहुत ज्यादा है वो कम करो, एक्सरसाइज बताई मुझे, एक्सरसाइज करो, और कुछ दवाइयां दी। मैंने कहा पेन किलर मैं नहीं खाऊंगी, तो उन्होंने कहा पेन किलर मैं नहीं दूंगा, पेन किलर सिर्फ जब दूंगा जब आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा तो आप ये पेन किलर ले लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है। और उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया, और मतलब ये व्लॉग जो मैंने डॉक्टर विवेक महाजन जी से आपको कुछ सारा कंसल्ट किया है वो सारा तभी ले लिया था मैंने जब एक महीने पहले मैं इंजेक्शन लगवाने गई थी। ये वीडियो तभी की है जब इंजेक्शन लगवाने गई थी, यानी कि 5 दिसंबर की। और ये वीडियो मैंने आपसे शेयर इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मैं इसका रिजल्ट देखना चाहती थी, ऐसे ही नहीं शेयर करती कि मैं आपको ऐसे ही शेयर कर दूं, और कि ये शेयर करना गलत होगा, जो मेरा ट्रीटमेंट चला है उससे मुझे कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ है, या दवाइयां बंद होने के बाद उसका असर क्या है क्या नहीं है, वो सारा मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती थी। तो उसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि घुटने की जो हालत है वो अच्छी हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं दौड़ लूंगी, भाग लूंगी, तेज चल सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपना जो दिनचर्या है वो निकालती हूँ बिना किसी दर्द के, बिना किसी पेन के। और अब एक महीने की दवाई के बाद मेरी दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है इस चीज़ की कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। कभी कभी पेन और चुभन होता है, उसमें डॉक्टर ने यही बताया था कि जब आप एक्सरसाइज कम करोगे तो ये पेन होगा और थोड़ी सी चुभन होगी। तो एक्सरसाइज आपको डेली करनी है और वेट लूज करना है मुझे,
मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपको वेट लूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जब जितना ज्यादा वेट घुटनों पर पड़ेगा वो नुकसानदायी होता है, वो हम समझ सकते हैं इस चीज को कि सारा वजन ही घुटनों पर है तो हमें वेट कम करना बहुत जरूरी है। तो उनकी जो ये राय थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इंजेक्शन का अभी तक मेरे पास कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 1.5 महीना हो गया है, 5 दिसंबर को लगा था और आज 22 जनवरी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और कभी कभी जो पेन होती है वो एक्सरसाइज की ही होती है कि एक्सरसाइज की लापरवाही की, ठंड बहुत ज्यादा थी तो मैं लापरवाही कर गई थी, इसी वजह से मेरे को पेन हो गया। बाकी फिर मैं 2-3 दिन से जब से डॉक्टर के गई हूँ तो एक्सरसाइज फिर से बहुत मैंने शुरू कर दिया, तो मेरा पेन फिर से छूमंतर हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे ये रिपेयर ना कर रहा हो लेकिन मेरी जो मेन प्रॉब्लम थी, और स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं है, ये उन्होंने कहा स्टेरॉइड्स नहीं है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि दवाइयां पिछले 15-20 दिन से तो मैं ले नहीं रही हूँ। ये जनवरी जो है, 5 जनवरी के बाद मैंने दवाइयां छोड़ दी थी, उसके बाद कोई असर मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया कि मैं दवाई नहीं ले रही हूँ तो मेरे को ज्यादा पेन हो रहा है या और ज्यादा कुछ अलग से निकल के आ रहा है कि उसका असर कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे तो ये ठीक लगा, अच्छा लगा। बाकी रिजल्ट मैं आपको शेयर करती ही रहूंगी इसके, तो बस यही शेयर करना चाहती थी कि गुमराह करने वाले डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा देखे मैंने, और यहाँ पर कुछ रहा जहां से दिखाई दी, चाहे कैसी भी दिखाई दी हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा आगे, लेकिन जो रहा दिखाई दी और मुझे ये डॉक्टर विवेक महाजन जो है वो बहुत अच्छे लगे, उनको थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर विवेक महाजन को दिल से बहुत शुक्रिया, ऐसे ही नेक काम करते रहिए और साफ दिल से काम कीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा और आप बुलंदियों को छुएंगे। जब इंसान को जरूरत हो ना ऑपरेशन की तभी आप कीजिए, क्योंकि इंसान ने डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा है, तो उस भगवान के रूप को खराब ना करो। कोई भी डॉक्टर, सारे डॉक्टरों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस ओहदे को मत खोआ, इस ओहदे को खराब मत करो। जब एक डॉक्टर भगवान के रूप में आता है तो भगवान की तरह ही ट्रीट करो, ऐसे ही नहीं, धंधा मत बनाओ उसे, धंधा नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्टर विवेक महाजन की जो बातें ना मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल से अच्छी लगी, इसलिए आपसे शेयर की। और थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक महाजन, और थैंक यू, आपने जो ट्रीटमेंट दिया चाहे वो कितने दिन चले, 2 साल 3 साल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका कोई साइड इफेक्ट मुझे नहीं हो रहा है, इसके लिए थैंक यू।